मऊ में गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस समय पूरे देश की नजर है, जिसकी वजह सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं। अफजाल मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और पिछली बार सपा और बसपा गठबंधन से उन्होंने मनोज सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत की एक तस्वीर सामने आई है, जिससे इन अटकलों को और हवा मिल गई है। अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अफजाल चुनाव में अपनी बेटी को उतार सकते हैं और उनकी बेटी का सपा कार्यालय पर आना और चुनाव प्रचार में शामिल होना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बता दें कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा हुई थी और उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। संबल में बीजेपी के युवा सम्मेलन में खाने की खूब लूट हुई। इस सम्मेलन में यूपी के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी मौजूद थी। दरअसल कार्यक्रम का समय 2 बजे रखा गया था, मगर मुख्य अतिथि के 1.5 घंटा देर से पहुंचने की वजह से कार्यक्रम 3:30 पर शुरू हुआ। कार्यक्रम में खत्म होने के बाद मंत्री जी को लगा कि कार्यकर्ता भूखे हैं, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो भी उनके साथ जलपान करेंगे। जैसे ही पैकेट बंटने शुरू हुए तो अव्यवस्था साफ दिखाई दी, खाने के पैकेट की लूट हो गई, कैमरे में इसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। कानपुर में पत्नी की हत्या करने वाले पति की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। कुछ दिन पहले ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। शादी के 2 महीने बाद चाकू से गोद कर हत्या की गई थी। पुलिस से हुई मुठभेड़ में शिवा के पैर में गोली लग गई। ये पूरा मामला पनकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दिनांक 16 अप्रैल को थाना पनकी क्षेत्र के कछुआ तालाब के पास में एक गुंजन नाम की महिला की चाकुओं से बहुत नशंस तरीके से उसकी हत्या उसके पति शिवा ने ही किया हुआ था, और जिसके संबंध में थाना पनकी में यह भी पंजीकृत किया गया था, और जो अभियुक्त था इसकी लगातार थानापन की पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से सूचना संकलित करते हुए तलाश की जा रही थी। सूचना संकलन के क्रम में ही मुखबिर द्वारा बताया गया कि आज यह जो पनकी का जो कपली है उसके अंडर जो ओवर ब्रिज है रेलवे लाइन का उसके आसपास आने वाला है, तो उस पर जो पनकी पुलिस द्वारा इसको जो है पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें पकड़ने के प्रयास में ही इसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए और इस पर 25,000 रुपये का इनाम कुछ दिन पहले ही जो है डीसीपी वेसर द्वारा घोषित किया गया था, और ये मुठभेड़ होने के पश्चात मानवीय दृष्टिकोण से इसको जो है हॉस्पिटल सीएससी अस्पताल भेजा गया है, जहां पर इसकी हालत स्थिर है।